नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में कोविड 19 के 38,617 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 89,12,908 हो गए। वहीं 474 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 130,993 हो गई। देश में अभी 446,805 लोगों का कोविड 19 का इलाज चल रहा है। 83,35,110 लोग संक्रमण मुक्त। दिल्ली में 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच कोरोना वायरस के 1,00,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। करीब 1,200 संक्रमितों की मौत। हालांकि इस दौरान करीब 94,000 रोगी संक्रमण से उबरने में भी सफल रहे। हरियाणा के स्कूलों में कोरोना वायरस का कहर दिखाई दे रहा है। शहर के 8 स्कूलों में 80 कोरोना संक्रमित बच्चे मिलने से मचा हड़कंप। इनमें से एक सरकारी स्कूल में तो 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभावित स्कूलों को 15 दिन तक बंद रखने और सैनिटाइज कराने के आदेश दिए। तमिलनाडु के लक्ष्मी विलास बैंक पर शिकंजा कसने के बाद रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु की ममता अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर पैसों के भुगतान और कर्ज लेन देन पर लगाई 6 माह की रोक। बैंक अब आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण कर सकेगा। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोधन संरक्षण और संवर्धन की दिशा में उठाया बड़ा कदम। गो कैबिनेट गठित करने का फैसला। पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गो कैबिनेट में शामिल होंगे। 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर होगी गो कैबिनेट की पहली बैठक। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन से बात। दोनों नेताओं ने इस दौरान द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता जताई। कोविड 19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी हुई बात। मुंबई महानगर पालिका ने शहर के प्राकृतिक जलाशयों के किनारे बड़े पैमाने पर छठ पूजा करने पर लगाई रोक। कहा, समुद्र तट और नदी किनारे बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर कोविड 19 महामारी से बचने के लिए जरूरी सामाजिक दूरी का पालन कराने में कठिनाई होगी। गुजरात के वडोदरा में बुधवार को तड़के 3 बजे 2 ट्रकों की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 15 घायल। घायलों को शहर के सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रियाद से दिल्ली आ रहे गो एयर के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान सवार एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था, हालांकि बाद में व्यक्ति की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में गिरा पारा। मौसम विभाग ने इस सप्ताह तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।